आज गुरुकुल दास हिंदू गर्ल्स कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय मनोविभाग मेला आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर चीफ प्रोकाइटर श्रीमती मीरा गोरेला एवं डॉक्टर गीता परिहार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन में मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। मनोविज्ञान मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को मनोविभाग के व्यापारिक ज्ञान से अवगत कराना है कि आज भी मनोविज्ञान को सिर्फ असमानता से जोड़कर देखने का मिथन प्रचलित है, जबकि मनोविभाग व्यक्ति की अपनी क्षमता को पहचानने, उस पर विकसित करने, जीवन को उत्तम सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। प्रथम दिन मेले के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं के व्यक्तिगत समायोजन, तनाव, चिंता एवं विभिन्न क्रियात्मक विशेषताओं से संबंधित परीक्षण व अध्ययन किए गए। कल द्वितीय दिन स्वयं को मानसिक रूप से स्वास्थ्य, तनाव रहित एवं आत्मविश्वास से पूर्ण जीवन जीने के तरीके बताए जाएंगे। मेले में मनोविज्ञान विभाग समस्त शिक्षिकाओं को सक्रिय भूमिका रही। इस अवसर पर महाविद्यालय की समस्त शिक्षिका उपस्थित रहे। महाविद्यालय की समस्त छात्राओं ने मेले में अपने विषय में जानकारी प्राप्त हेतु सक्रिय रूप से भाग लिया। आज मनोविज्ञान विभाग के द्वारा एक मनोविज्ञान मेला का आयोजन किया गया है और मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र के इतना विकसित और प्रसार प्रचार होने के बावजूद भी लोगों में ये मिथक है कि मनोविज्ञान केवल असामान्य लोगों से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है कि जीवन कौशल को विकसित करना, साथ ही साथ व्यक्ति के तनाव, चिंता, मानसिक स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी देना और व्यक्ति कैसे संतुष्ट, सुखी और समायोजित और संवेदनशील जीवन जी सकता है, इसके विषय में जो है व्यक्ति को व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करना। अगर किसी में आत्मविश्वास की कमी है या किसी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे कि उसके समायोजन में कमी आ रही है या उसे संवाद स्थापित करने में परेशानी हो रही है, तो इस सबसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना। क्योंकि देखिए, मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो आपको सपोर्ट करना, गाइड करना, आपको एडवाइस देना, व्यक्ति को इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा, लेकिन मनोविज्ञान आपको एक साइकोलॉजिस्ट का जो मेन काम है वो सजेस्टिबिलिटी, कि आप सुझाव देते हैं, उन सुझावों को मान के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि छात्राओं में ही ये जागरूकता नहीं है कि मनोविज्ञान विषय का जो व्यवहारिक उपयोग है वो क्या है। इसके अतिरिक्त जो है छात्राओं को ये भी जानकारी देना उद्देश्य था कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप आगे क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें मनोविज्ञान की उपयोगिता रहती है, और मनोविज्ञान के विद्यार्थी या मनोविज्ञान के शिक्षक जो है किन क्षेत्रों में जाके आगे अपना कैरियर बना सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं।